1,000 kilometers from Silchar in Kehelgaon town, Kalavati Devi runs an Usha Silai training center. It was one of the few places that worked non-stop during the coronavirus outbreak, providing sustenance to hundreds of Silai school teachers and students. Kalavati said it was not only the orders but also economic distress which led her to take the orders during that period, as women and girls working with her were more than willing to work to earn money. So, सारे महिलाएं लोग फिर हमको पकड़ने लगे कि दीदी आप काम लीजिए, जय रुपया हम देता है, आप काम लीजिए, हम लोग करने के लिए तैयार हैं. काम रहा और अभी से अच्छा कोरोना काल में रहा काम. तो सारी लड़कियां का कहना हुआ जो सीखे थे ना सफल हो गए, इसलिए कि ये कोरोना में मेरे पति एक रुपया नहीं लाते थे और हम लोग पर डे 1,000-1,200 कमा लेते थे. 1,500 के लमसम में एक एक घर में बच्चियां लोग उठा लेती थी. लेकिन हाँ, वो लोग भी मेहनत करती थी, बोलते थे आज इतना माल बनाना है और वहाँ देना है. तो वो लोग एकदम मेहनत कर करके एक एक घर से 1,500-1,200 रुपया पर डे उठाती थी. तो हमें भी मन लग रहे थे कि चलो भाई, मेरे साथ सब महिलाएं खुश है तो हम भी अपना 12-14 घंटा इसमें लगे रहते थे और सारे को कटिंग करके देना. हम सोचते थे कि किसी तरह वो कटिंग वाला मशीन मिल जाए, तो वो भी नहीं मिलता था.